एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करने का क्या सही तरीका है। मैं यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी किट के द्वारा दिखाऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से करना है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको कुछ लेडीजें बोलेंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना तो काफ़ी ईजी होता है, घर पर हम काफ़ी ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, कुछ लेडीजें प्रेगनेंसी टेस्ट कर तो लेती हैं, उसके बाद उनको जो है हल्की लाइन दिखना, यानी कि एक डार्क लाइन दिख रही है, एक हल्की लाइन दिख रही है, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन में आ जाती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। कई बार होता क्या है कि आप गलत तरीके से कर रही हैं, तो उस केस में आपका पॉजिटिव होता है तब भी नेगेटिव शो होता है, या फिर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव शो हो जाता है। तो क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, साथ में ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहें हमारे इस वीडियो में। देखिए वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, तभी आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सही समय पे। अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास प्रेगनेंसी किट, तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी तरीके से होता है ये किट, और ये ड्रॉपर आपको मिल जाता है इसमें यूरिन डालने के लिए। तो इसमें एक सी और टी लाइन है, कुछ जो किट होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन दिखाई जाती है, क्योंकि आप ये भी कहेंगे कि हमारे किट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव था, सी और टी लाइन तो थी नहीं, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन दिखाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंटेनर में आपको यूरिन ले लेना है। कंटेनर एकदम साफ़ होना चाहिए, जिस भी डिब्बे में आप ले रहे हैं वो एकदम साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का डिब्बा है, आपने उसको वॉश नहीं किया हुआ है सही तरीके से, तो इस केस में भी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो गलत आ सकता है। तो इसलिए डिब्बे को एकदम साफ रखना है। यूरिन आप सुबह के टाइम का लेंगी, मॉर्निंग टाइम का, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपका रिजल्ट एकदम सही से आएगा। तो उसके बाद करना क्या है, इस ड्रॉपर की मदद से इस तरीके से इसको दबा के यूरिन उसमें से ले लेना है। इस तरीके से आप अगर दबाएंगे उसके बाद उसको यूरिन ले लेना है। यूरिन लेने के बाद आपको यहाँ पे गड्ढा दिखेगा, यानी कि गोल गड्ढा यहाँ पे दिखेगा, तो इस पे आपको 2 से 3 बूंद, याद रखना 2 से 3 बूंद आपको डालनी है, इंसर्ट करनी है 2 से 3 बूंद, ज़्यादा आपको नहीं भरना है, 2 से 3 बूंद इनफ है। आपको वेट करना है 2 से 3 मिनट का, 2 से 3 मिनट के बाद आपको इस सेक्शन में जो सी और टी सेक्शन है यहाँ पे आपको लाइन दिखने लगेगी। अगर ये लाइन आपके केवल सी सेक्शन में है और टी पे नहीं है तो ये नेगेटिव है, और अगर आपकी ये लाइन दोनों पे है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी केवल टी पे है यानी कि टेस्टिंग लाइन पे है और सी पे कोई भी लाइन नहीं है तो ये किट खराब होता है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है कि किस लाइन पर अगर डंडा आ रहा है, किस पर नहीं आ रहा है तो उस पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट से ऊपर आपको वेट नहीं करना है। जो भी रिजल्ट आपका आना होता है 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आपका आ जाता है। उस लेडीजें यहाँ पे क्या गलती करती हैं कि किट को साइड में रख देती हैं और आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इस तरीके से देखती हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, होता क्या है कि आपके किट में टी वाले सेक्शन पे आपको हल्की कलरलेस एक लाइन दिखेगी, काफ़ी हल्की कलरलेस एक लाइन दिखेगी जिसे हम इवेपोरेशन लाइन कहते हैं, यानी कि वो भाप के कारण बन जाती है। आपकी हल्की लाइन आ सकती है अगर आप 20, 25, 30 मिनट बाद देख रहे हैं तो वो लाइन अपने आप बन जाती है। तो जो 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ रहा है वही आपका सही रिजल्ट होता है। दूसरा एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि कई लेडियों का क्या होता है कि दूसरी जो लाइन होती है टेस्टिंग लाइन, वहाँ पे आपका जो है हल्की पिंक लाइन आपको दिखाई देती है 5 मिनट के अंदर ही। तो इस केस में होता क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी तो होती है पर वो कम दिन की होती है, क्योंकि शुरुआत में ही सब जब पीरियड डेट मिस हो जाता है उसके बाद ही चेक करते हैं सभी लोग, तो उस केस में जो है शुरुआत के दिनों में एससीजी हार्मोन जो है उसका लेवल काफ़ी कम होता है, तो किट में वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाता, आपको हल्की पिंक लाइन भी दिखेगी। और कुछ लेडीजें जो है शुरुआत के दिनों में तो कर रही हैं प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट, उसके साथ ही वो दिन के टाइम पे करती हैं, तो दिन के टाइम पे आप कर लेती हैं तो उस टाइम तक काफ़ी पानी आप
पी लेती हैं तो जो आपका यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है, हार्मोन डाइल्यूट हो जाता है, तो उससे भी आपका जो दूसरी लाइन है वो हल्की पिंक दिख सकती है। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में आपको कुछ सुबह के यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तभी आपका रिजल्ट सही आएगा। तो इन दो तीन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में, रिलेटिव में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी कोई क्वेरी है, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।